चुराने वाली चुड़ैल। हबलू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। हबलू के दो छोटे छोटे भाई बहन थे और उसका परिवार बेहद ही गरीब था। माता पिता कपड़े धोने का काम करते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। कुछ दिनों से हबलू के माता पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उसे ही नदी पर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। एक दिन की बात है, हबलू नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रहा था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, लोगों के कपड़े धोना। अगर कपड़े अच्छे से ना धुले तो लोग कितना सुनाते हैं, और ऊपर से उल्टा पैसे भी नहीं देते। कपड़े धोने की वजह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। उसी नदी में एक चुड़ैल रह रही होती है। जब वो नदी का पानी गंदा देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है। कौन है जो मेरे रहने की जगह को गंदा कर रहा है? अभी जाकर बताती हूँ उसे। हबलू नदी में कपड़े धोकर उन्हें वहीं पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है, और वहीं पेड़ के नीचे कपड़े सूखने तक उनका इंतजार करने लगता है। हबलू को पता ही नहीं चलता कि बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई, और कुछ ही देर में चुड़ैल भी नदी से निकलकर आ जाती है। कौन है जिसने मेरे रहने की जगह को गंदा किया है? तभी चुड़ैल की नजर रस्सी पर सूख रहे कपड़ों पर पड़ती है। अरे वाह, ये कपड़े तो बड़े ही सुंदर सुंदर है, और ये साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी चुड़ैल अपने पहने हुए कपड़े देखती है। मेरे कपड़े कितने गंदे हैं, हम लोगों को तो अच्छे कपड़े पहनना नसीब में ही नहीं होता। तभी चुड़ैल कपड़े देखकर सोचने लगती है। क्यों ना इनमें से एक कपड़ा चुरा कर मैं पहन लूं, कौन सा इस लड़के को पता चलेगा। चुड़ैल जल्दी से रस्सी से एक साड़ी उतारती है और नदी में ले जाकर पहन कर देखती है। ये साड़ी मुझ पर कितनी खूबसूरत लग रही है, इसमें तो मैं एकदम हूर की परी लग रही हूँ। फिर कुछ देर बाद हबलू की आंख खुलती है। उसे पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अरे शाम हो गई, समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी से कपड़े उतार कर घर चलता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी। हबलू रस्सी से कपड़े उतार कर घर चला जाता है, और घर जाकर कपड़ों की गिनती करके उन्हें गठरी में बांधने लगता है। 1, 2, 3 और ये 5 और ये 9, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 10 जोड़े कपड़े धोए थे, इनमें तो एक कम है। दोबारा गिनता हूँ, कहीं मुझसे कपड़े गिनने में भूल ना हो गई हो। हबलू एक एक करके दोबारा कपड़े गिनने लगता है, पर इस बार भी कपड़े 10 जोड़े की जगह 9 जोड़े थे। कपड़े कम होने की वजह से वो परेशान था। ये सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह हबलू फिर से कपड़े लेकर नदी पर धोने के लिए चला जाता है, और जैसे ही वो कपड़े धोने लगता है, नदी का पानी कपड़े धोने की वजह से फिर से गंदा होता है। ये देखकर नदी में रह रही चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। ये लोग मुझे चैन से रहने भी नहीं देते, आज फिर ये लड़का कपड़े धोकर मेरी रहने की जगह गंदा कर रहा है। आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कपड़े यहाँ धोना ही भूल जाएगा। हबलू के कपड़े धोने के बाद वो उन्हें पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है। जब तक ये कपड़े सूख रहे हैं, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ। हबलू वहीं पेड़ के नीचे एक कपड़ा बिछा कर लेट जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो लेटते ही उसे नींद आ जाती है, और पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल भी नदी से निकल कर बाहर आ जाती है। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मेरे रहने की जगह गंदी करके खुद चैन की नींद सो रहा है, आज तो मैं उसे मार ही डालूंगी। चुड़ैल हबलू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो रस्सी पर सूख रहे कपड़े देखकर रुक जाती है। अरे वाह, आज भी सुंदर सुंदर कपड़े सूख रहे हैं। चुड़ैल रस्सी से एक अच्छी सी साड़ी उतारती है, नदी में ले जाती है और पहनकर देखने लगती है। ये साड़ी तो मुझ पर कैसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। वो चुड़ैल साड़ी पहनकर नाचने लगती है। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। अब तो जब भी कपड़े धोकर सिखाया करेगा, मैं चुपके से जाकर उसके कपड़े चुरा लिया करूंगी और पहन लूंगी। इस लड़के को पता भी नहीं चलेगा कि उसके कपड़े कौन चुरा कर ले जाता है। और अगले दिन नदी का गंदा पानी देखकर चुड़ैल फिर से बाहर आती है और फिर से देखती है
ये लड़का आज भी कपड़े सुखा कर सो रहा है। इस तरह से चुड़ैल हर रोज चुपके से जाती, एक अच्छा सा कपड़ा उठाती, नदी में ले जाती, पहनकर देखती और खुश होती। जब हबलू सोकर उठता तो वो एक जोड़ी कपड़े गायब पाता। कपड़े चोरी होने की वजह से हबलू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े कौन चुरा कर ले जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह वो कपड़े धोता है और उन्हें पेड़ से बंधी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है और पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा कर लेट जाता है। सोचने लगता है कि आखिर कौन है जो मेरे कपड़े चुरा रहा है और मुझे पता भी नहीं चलता। ये सब सोचते हुए हबलू को नींद आ जाती है। गंदा पानी देखकर चुड़ैल बाहर आती है और ध्यान से सभी कपड़ों को देखने लगती है। तभी उसे एक लाल रंग का सुंदर सा लहंगा पसंद आता है और वो उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, इसे पहनकर तो मैं रानी लगूंगी रानी। इस लहंगे को पहनकर अपनी चुड़ैल सहेलियों को जाकर दिखाऊंगी। जब वो मुझे इस लाल लहंगे में देखेंगी तो मुझसे जल बुन जाएंगी। इससे पहले कि ये लड़का सोकर उठे, मुझे ये लहंगा चुरा कर नदी में ले जाना चाहिए। फिर वो चुड़ैल वो लाल लहंगा उतारती है और तभी हबलू की आंख खुल जाती है। वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और फिर से वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अच्छा, तो यही हर रोज मेरे कपड़े चुरा कर ले जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। फिर वो जैसे ही लहंगा नदी में ले जाने लगती है, अरे ये लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? ये लहंगा तो जमींदार की पत्नी का है, अगर मैंने उसे लहंगा नहीं लौटाया तो वो मुझे जमीन में जिंदा ही गड़वा देगा। नहीं नहीं, वो लहंगा मुझे चुड़ैल से वापस लेना ही होगा, पर कैसे समझ में नहीं आ रहा। वो लहंगा मैं चुड़ैल से लूं तो कैसे लूं? हबलू बाकी के कपड़े उठाकर घर ले जाता है और रात को लेटा हुआ चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे चुड़ैल कपड़े भी नहीं चुराएगी और हमेशा के लिए वहां से चली भी जाएगी। फिर जैसे ही सुबह होती है, हबलू हमेशा की तरह कपड़े धोकर रस्सी पर सूखने के लिए डाल देता है और पेड़ के नीचे जाकर सोने का नाटक करने लगता है। लगता है आज फिर इस लड़के ने कपड़े धोए हैं। चुड़ैल नदी से निकलकर बाहर आती है तो देखती है कि रस्सी पर केवल आज दुपट्टे ही दुपट्टे सूख रहे हैं। ये क्या, आज सिर्फ दुपट्टा? कोई बात नहीं, आज मैं इसे ही ओढ़ लेती हूँ। जैसे ही चुड़ैल रस्सी से दुपट्टा उतार कर ओढ़ती है, उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है। मर गई रे, ये मुझे खुजली क्यों हो रही है? अरे अरे, कोई तो कुछ तो करो। हबलू आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा होता है। अब आएगा मजा, बड़ा रोज कपड़े चोरी करके पहनती थी, अब पहन कर देख कपड़े। आज इस चुड़ैल को पता चलेगा कपड़े चोरी करके पहनने का नतीजा। आज के बाद ये कपड़े चोरी करना भूल जाएगी और फिर कभी जिंदगी में किसी के कपड़े नहीं चुराएगी। चुड़ैल इधर उधर भागने लगती है। खुजली, खुजली, अरे बचाओ, मेरे शरीर पर खुजली हो रही है। आई रे, मर गई मैं। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे नहीं पहनना ये दुपट्टा। अरे इससे तो मेरे शरीर पर खुजली होने लगी है। अरे मुझे नहीं चाहिए इस लड़के के कपड़े। और चुड़ैल नदी में जाती है और सारे कपड़े लाकर वहीं डालकर भाग जाती है। और फिर वो हबलू तो क्या, किसी और को भी कभी परेशान नहीं करती।